अमानगढ़ नौशहरा में 27 सेक्टर अराजी पर जैतून के 8000 पौधे आइंदा 3 साल में फल देने लगेंगे। जैतून के पौधों की आबियारी के लिए सोलर एनर्जी के जरिए ड्रिप इरिगेशन के तहत पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं शबीर हुसैन से। वजीरे आजम के 10 बिलियनरी मनसूबे के समरात सामने आने लगे। नौशहरा में लगाए गए जैतून के पौधों से आइंदा 3 साल में फल मिलना शुरू हो जाएगा। 2 साल पहले अमानगढ़ में 27 हेक्टेयर एराजी पर 8000 जैतून के पौधे लगाए गए थे। जो फ्रूटिंग है वो 7 साल के बाद शुरू होती है और एक ट्री से जो है ऑन एवरेज जो है 8 लीटर ऑफ ऑलिव ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है। तारिक खादिम का कहना था अमानगढ़ में लगाए गए जैतून के पौधों को पानी की फराहमी बड़ा चैलेंज था। यहाँ सोलर एनर्जी से चलने वाले 10 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरह मुल्क के दीगर सूबों में भी ऑलिव प्लांट की शजरकारी के जरिए मुल्क में बड़े पैमाने पर जैतून आयल के हुसूल को यकीनी बनाया जा सकता है। शब्बीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, अमानगढ़।